हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से राजा मणिभद्र के सात बेटे जो सात शाल वृक्षों के रूप में कन्वर्ट हुए उनकी कथा, और अगस्त्य से वो कैसे जुड़ती हैं, और इवन प्रभु राम से वो कैसे जुड़ती है कि अगस्त्य ने श्राप दिया, उच्च श्राप दिया, और उस श्राप से निकलने के लिए प्रभु रामचंद्र जा रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास आए, और जैसे ही अगस्त्य मुनि का आश्रम पास आया, सुतीक्ष्ण मुनि एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ एंड ही रैन अहेड टू इन्फॉर्म हिज गुरु अगस्त्य दैट राम लक्ष्मण एंड जानकी वर ऑन द वे एंड दे वुड बी रीचिंग शॉर्टली। जैसे ही अगस्त्य मुनि को पता चला, अगस्त्य मुनि स्प्रैंग इनटू एक्शन। संपूर्ण आश्रम में हंसी खुशी आनंद और जश्न की लहर दौड़ गई। हर जगह पर वैदिक मंत्रोच्चारण होने लगा, हर जगह पर शहनाइयां बजने लगी, वातावरण पूरा मंगलमय हो गया, हर जगह पर अगरबत्तियां धूप इत्यादि जलने लगे। एवरीवन वाज वेरी वेरी हैप्पी। अगस्त्य मुनि दौड़ करके आश्रम के गेट की तरफ आए, और सुतीक्ष्ण मुनि इज फीलिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कीप पेस विद अगस्त्य, ऑल्दो अगस्त्य इज फार एल्डरली देन सुतीक्ष्ण। जैसे ही प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी आए, अगस्त्य मुनि ने प्रभु राम के चरण पकड़े, अपना सर प्रभु राम के चरणों पर रखा, और बाद में धीरे उठे और कहे, प्रभु आपका इस कुटिया में इस आश्रम में स्वागत है। राम जान लक्ष्मण जानकी दोनों को वेलकम किया। अगस्त्य ने बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से, बहुत सौहार्द से प्रभु राम का हाथ पकड़ा और धीरे से खींचने लगे, पूरे आश्रम का मुआयना कराया। प्रभु राम भी देख रहे हैं, हर जगह पर अलग अलग प्रकार के साधु हैं, लेकिन हर एक साधु के चेहरे पे, आंखों पे एक तेज है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है। एवरीवन इज वेरी वेरी जेन्युइन इन देयर एंडेवर्स टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, एंड राम इज दैट सुप्रीम लॉर्ड। तो प्रभु राम तो हर किसी के हृदय की सारी चीजें जानते हैं। राम अत्यंत खुश हुए, हर्षित हुए। अगस्त्य ने एक बड़े, क्या कहते हैं, स्टोन के प्लेटफॉर्म पे प्रभु राम को बिठाया, और सारे होली वाटर, सारी नदियों के शुद्ध जल से उनका अभिषेक किया। उसके बाद में उन्हें नए वस्त्र दिए गए, चंदन लगाया गया। प्रभु राम छाल के ही, वलकल के ही नए वस्त्र पा करके खुश हुए। चंदन से उन्होंने अगस्त्य के हाथों से स्नान स्वीकार किया। सब कुछ होने के बाद में अगस्त्य के यहाँ पर थोड़ी देर प्रभु राम लुके और उन्होंने भोजन लिया। उसके बाद में जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जाने लगे, तो अगस्त्य मुनि ने उनको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें गिफ्ट में दी। एक तो उन्हें दो बहुत ही सशक्त तलवारें दी, और उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये दो तलवारें कोई ऐसा ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जो एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस मींस जो दोनों हाथों से एक काम कर सकता है, सो जो दोनों हाथों से तलवार चला सकता है, ऐसा ही कोई व्यक्ति इन दो तलवारों को हैंडल करना चाहिए। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर बो या धनुष दिया और कहा कि इसमें भगवान विष्णु का सामर्थ्य, भगवान विष्णु की कृपा और सुदर्शन चक्र का तेज और बल है। इसके बाद उन्होंने एक तरकश या तुनीर दिया जिसमें अनगिनत बाण थे, और उन्होंने कहा कि ये बाण कभी भी खत्म नहीं होगा, ये अक्षय तुनीर है या अक्षय तरकश है। और एक स्पेसिफिक बाण को अगस्त्य ने बाहर निकाला और कहा कि हे राम, ये इन सब बाणों में सबसे महत्वपूर्ण बाण है, ये अगर आप किसी को भी टारगेट करोगे तो सीधा उसके हृदय में जाएगा, उसके हृदय को सुखा करके आर पार जाएगा, सबसे आसपास जो वाटर बॉडी होगी उसमें वो अपने आप को धोएगा और फिर तरकश में आकर के बैठेगा। राम अचंभित होकर सुन रहे थे। अंत में अगस्त्य बहुत सारे पाम लीव्स, जिसके ऊपर लिखा जाता है ना, पहले पेपर वगैरह नहीं था तो पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था, बहुत सारे पाम लीव्स लेकर के आए।
और वो प्रभु राम के हाथों में देते, कहते हैं कि भगवान शिव ने जो और सारे महान ऋषि मुनियों ने जब मुझे दक्षिण भारत में भेजा था तो उन्होंने कहा था कि हे अगस्त्य, दक्षिण भारत को एक करने के लिए एक कोई यूनिफॉर्मिंग फैक्टर बताओ, यूनिफाइंग फैक्टर बताओ। तो अगस्त्य कहते हैं कि मैंने एक भाषा लिपि के साथ में खोजी है, मैंने उसका नाम दिया है तमिल। तो तमिल भाषा के जनक जो हैं वो अगस्त्य ऋषि हैं, और वो कहते हैं कि ये भाषा और उसका व्याकरण मेरा तैयार है, यह मैं आपको आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो ऐसा कह करके तमिल भाषा के पूरे व्याकरण और उसकी लिपि और उसके सारे मैन्युस्क्रिप्ट को अगस्त्य मुनि ने प्रभु राम के चरणों में सौंपा। प्रभु राम देख करके अत्यंत हर्षित हो गए। प्रभु राम जैसे ही उठे, अगस्त्य ने कहा यहाँ से 20 मील दूर दक्षिण दिशा की ओर पंचवटी नामक जगह है, बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर पत्ते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेंडली वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो जानकी आप और लक्ष्मण वहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे, वहाँ बहुत सारे कंदमूल हैं, फल हैं, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सुंदर फ्रेश पानी के झरने हैं, तो आप वहाँ जाइए, बहुत सारा एक्साइटमेंट, फन एंड एडवेंचर आपका वहाँ इंतज़ार कर रहा है। ऐसा कह के फिर से अगस्त्य प्रभु राम के चरणों में गिरे एंड प्रभु राम ने अगस्त्य की विदा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की।